मुझे लग रहा है कि आज शायद ऐसा भी सुनने को मिले, लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेशन वॉट्स टू नो टुनाइट विद मी द चैंपियन ऑफ द नेशन. क्यों दर्ज हुए? आपको यह जवाब देना है कि
भीम आर्मी के साथियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको जवाब देना है कि चंद्रशेखर रावण रासुका के चलते जेल में क्यों बंद है? आपको जवाब देना है पूना के विक्टिम्स को न्याय क्यों नहीं मिला? आपको जवाब देना है आज भी पूना, सहारनपुर और भीमा कोरेगांव क्यों हो रहा है? ये आपको जवाब देना है कि विदेशी बैंकों में पड़ा 15 लाख इस देश के गरीब आदमी के जेब में क्यों नहीं आया? आपने हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार का जो प्रॉमिस दिया था, उस प्रॉमिस का क्या हुआ? आपको जवाब देना है कि मध्य प्रदेश के किसानों की छाती पर आखिर गोलियां क्यों दागी गई? ये सवाल पूछने के लिए सोशल जस्टिस के एजेंडा के साथ सारे युवा लीडर आज मौजूद हैं। आपको ये जवाब देना है कि आखिर रोहित नेमुला की हत्या क्यों हुई और नजीब को गायब क्यों किया गया? ये सारे सवाल हम विधायक के तौर पे गुजरात की असेंबली में भी पूछेंगे और सड़कों में विपक्ष की मुंडे के कारण आपके पक्ष में खड़े रहकर भी करते हुए इस बात को लेकर हम सभी के बीच में एक दोहराए थी कि एक समाज और राष्ट्र के तौर पे इतनी जबरदस्त क्राइसिस, इतनी डीप ट्रबल में हमने कभी नहीं। आज पूरा भारतवर्ष उथल पाथल से गुजर रहा है। हम फांसी आज मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक जबरदस्त खतरा है। हम इसी संविधान और लोकतंत्र को सचमुच बचाना चाहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति विशेष समुदाय जाति या धर्म के खिलाफ मतभेद होंगे। हम सचमुच मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4 साल के दौरान घर वापसी, लव जिहाद और गांव माता के नाम पे राजनीति की गई और घर वापसी, लव जिहाद, गाय माता के नाम पर रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, देश में चल रही कॉर्पोरेट लूट, किसानों की आत्महत्या, जीएसटी, नोटबंदी, ये जो असली सवाल से ध्यान भटकाया जा रहा है और एक नकली दुश्मन खड़ा करने की जो साजिश रची जा रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम इस मंच पर से इतना ही घोषणा करके हमारी बात को खत्म करेंगे। क्या लव जिहाद, घर वापसी, ये गाय के नाम पर जितना भी चिल्लाना हो, जितनी भी राजनीति करनी हो आप कर लो, लेकिन हम बात करेंगे कि इस देश में अदानी अंबानी एहसान को नहीं, लेकिन दलित, आदिवासी और भूमिहीन को जमीन का आवंटन। हम ये बात करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इंडिया सचमुच इसी में बनना ही चाहिए, लेकिन इंडिया डिजिटल बने उसके पहले सिर्फ इतना टेक्नोलॉजी ना हो कि किसी भी व्यक्ति को भटक कर मौजूदा ये हम चाहते हैं। और आप सबके बीच में जितने भी युवा लीडर यहां पर मौजूद है, मेरे साथ मंच पर वो सभी एक साथ खड़े होकर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सवाल पूछना चाहते हैं।
कि सर आप क्या चूज करने वाले हैं, मेरे एक हाथ में है मनुस्मृति और दूसरे हाथ में होगा संविधान।